हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेन गुरु। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मोबाइल क्रेन। ये हमारा वीडियो मोबाइल क्रेन का पार्ट वन वीडियो है और इस वीडियो में आज आप सबको बताया जाएगा मोबाइल क्रेन के कुछ बेसिक नॉलेज। तो सबसे पहले अगर हम लोग पकड़े तो ये देखा जाएगा कि मोबाइल क्रेन को मेनली उसको दो अलग अलग पार्ट में हम लोग भाग करके देखेंगे। जैसे एक होता है मोबाइल और दूसरा हो गया क्रेन। ये दोनों को मिला करके अगर हम लोग देखते हैं तो ये बनता है मोबाइल क्रेन। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि मोबाइल होता क्या है। फ्रेंड्स, हर वो काम जो चल फिर करके किया जाता है इसको मोबाइल कहा जाता है। दूसरा क्रेन, जो रोप के सहारे पे किसी वजन को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह या ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे पहुंचाया जाता है, इसको हम लोग क्रेन का काम कहते हैं। तो दोनों को मिला करके अगर देखें तो ये बनता है मोबाइल क्रेन, यानी एक ऐसी मशीन जो एक जगह से चल करके दूसरे जगह पे जाती है और किसी वेट को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना या नीचे ग्राउंड लेवल से उठा करके किसी हाइट पर पहुंचाना इसका काम होता है। तो ये दोनों मिला करके हमारा हो जाता है मोबाइल क्रेन। तो हमने फर्स्ट में देखा कि मोबाइल किसे कहते हैं। मोबाइल चलते फिरते कार्य करने वाले चीज़ों को मोबाइल कहा जाता है। अब हम लोग अगर इसमें एग्जांपल अगर ले तो पोस्टमैन जो होता है, पोस्टमैन का भी वही काम होता है कि एक जगह से चल करके दूसरे जगह पे गया, लेटर पोस्ट किया और फिर वहाँ से दूसरे जगह पे दिया, उधर डिलीवर करता है, जहाँ जहाँ पर उसको लेटर देना होता है वो देता है। तो इसके काम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल का सर्विस करना। तो इसी तरह से हमारे क्रेनों का भी होता है कि एक जगह से चल करके दूसरे जगह पर जाता है, वहाँ जो भी काम होता है उसको अंजाम देने के बाद में किसी तीसरे जगह पर जाता है और वहाँ भी अपने काम को अंजाम देता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा मोबाइल क्रेन का एक तरह का डिफिनेशन हो गया कि मोबाइल क्रेन होता क्या है और किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोबाइल क्रेन किसे कहते हैं। एक हो गया मोबाइल और दूसरा हो गया क्रेन, पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोबाइल क्रेन किसे कहते हैं। तो मोबाइल क्रेन एक हाइड्रोलिक मशीन होती है जिसके थ्रू एक जगह से चल करके दूसरे जगह मशीन को ले जा करके और वहां के काम को किया जाता है। यह काम हाइड्रोलिक और मैकेनिकल दोनों के थ्रू किया जाता है। इसमें एक बूम लगा होता है जो मैकेनिकल बूम या हाइड्रोलिक बूम दोनों में से कोई भी बूम हो सकता है और इस बूम की मदद से उसके जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के अंडर रख करके उस वेट को उठा करके शिफ्ट किया जाता है। इस तरह के क्रेनों का बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होता है फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम 60 से 70 के किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल करके और जा सकती है, लेकिन इतना का भी स्पीड का इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। बहुत कम स्पीड में, यानी अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 के स्पीड में अलाउ करते हैं प्लांट्स के अंदर पे चलने के लिए। तो इसी के स्पीड में चल करके वह क्रेनें जाते हैं और जॉब साइट पे जा करके अपने काम को अंजाम देती हैं। दूसरा है कि ये इन क्रेनों में स्विंग सिस्टम होने के वजह से इनका बूम 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, यानी एक जॉब को हमने एक तरफ से उठाया और उसको उठा करके 360 यानी 360 डिग्री के एंगल पे स्विंग करके वो इस काम को कर सकती है, या नीचे से उठा करके और किसी अच्छे खासे हाइट पर जो कि बूम का जो लेंथ कैपेसिटी होता है इसके हिसाब से वो उस काम को कर सकती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रेन को किसने और कहाँ बनाया। तो फ्रेंड्स, क्रेन को पॉल पेकल और हर्निस पेकल नाम के दो भाई थे जो अफ्रीका के शहर में ये 1838 में 1838 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। फ्रेंड्स, इसके बाद का क्वेश्चन आता है कि क्रेन मार्केट में कब आया। क्रेन मार्केट में
1858 में आया था। ऐसा माना जाता है कि क्रेन को 1838 में बनाया गया था और 1858 में ये मार्केट में लॉन्च हुआ था, जो फर्स्ट क्रेन था। और इस क्रेन को ज़्यादातर मैनुअली यूज़ किया जा रहा था, मैनुअली ऑपरेट करता था। इसमें ऑपरेट करने के लिए, इस प्रकार की क्रेनों को ऑपरेट करने के लिए कोई एक दो ऑपरेटर नहीं होते थे, इसमें करीब करीब 5 से 7 ऑपरेटर लगे होते थे, जिनकी मदद से इस तरह की क्रेनों को ऑपरेट किया जाता था। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हमको मालूम पड़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोबाइल क्रेन कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रेन। कभी भी आपको इंटरव्यू लेवल पे कभी भी पूछा जाएगा कि ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रेन, या आपसे पूछा जाएगा इसी का कि क्रेन अगर आप चलाता है, आप अच्छा का एक ऑपरेटर है, तो आप बताओ कि कितने प्रकार के मोबाइल क्रेन होते हैं। नंबर वन आता है ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन। फ्रेंड्स याद रखेंगे, नंबर वन ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन, और दूसरा आता है ऑटो हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन, याद रखेंगे। सेकंड है ऑटो हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन, और थर्ड आता है क्रॉलर मोबाइल क्रेन। थर्ड क्या है? क्रॉलर मोबाइल क्रेन। अब हम लोग एक एक करके इसका हम लोग डिटेल देखेंगे कि ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन किसे कहते हैं, ऑटो हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन किसे कहते हैं, और क्रॉलर मोबाइल क्रेन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन जो होती है, इसमें ये ट्रक के चेसिस पे फिटेड होती है, और इस पे दो अलग अलग प्रकार के केबिने बने होते हैं। एक होता है ड्राइविंग केबिन, दूसरा होता है ऑपरेटिंग केबिन। फ्रेंड्स, ये ड्राइविंग केबिन की मदद से इस प्रकार की क्रेनों को चला करके या ड्राइव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले करके जाते हैं। और जो इसका ऑपरेटिंग केबिन होता है, फ्रेंड्स, इस ऑपरेटिंग केबिन के थ्रू क्रेन को एक जगह पे खड़ा करके यानी लेवल करके, और उसके बाद अंडर शिफ्ट इस केबिन की मदद से ऑपरेट किया जाता है। अब इसमें होता यह है कि जो ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेनें होते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि दो अलग अलग इंजन का यूज़ किया जाए। फ्रेंड्स, जो पुराने मॉडल के ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेनें होते थे, इसमें ड्राइविंग के लिए अलग इंजन और ऑपरेटिंग के लिए अलग इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। बट आज क्या है, उसको मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई करने के बाद में उन्होंने क्या किया है, इंजीनियर ने एक ही केबिन से दोनों काम को लेने का कोशिश किया है, दोनों काम लिया जाता है। और इसके लिए कुछ और नहीं, एक पीटीओ का यूज़ किया जाता है। पीटीओ यूज़ करने के बाद से ये ड्राइविंग के सिस्टम से हट करके ऑपरेटिंग के सिस्टम में आ जाता है। अब देखते हैं, और इसमें ट्रक माउंटेड जो है, ट्रक माउंटेड में इनमें जो व्हील लगे होते हैं, इसका कोई निश्चित व्हील नहीं होते हैं। ये सिक्स व्हीलर भी होते हैं, सिक्स व्हीलर से लेकर के 12 व्हीलर या 20 व्हीलर तक के भी क्रेनें होते हैं, जो सिंगल सिंगल दोनों साइड में लगे होते हैं। जो 20 मैक्सिमम जो इसका व्हील लगे होते हैं, वो सिंगल सिंगल दोनों साइड से लगे होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑटो हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन। ऑटो हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन में ये एक ही केबिन लगा होता है, और एक सिंगल केबिन लगे होने की वजह से सिंगल केबिन से ही ऑपरेटर इस मशीन को ड्राइव करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाना और वहां पर ऑपरेट करना, ये सिंगल ही केबिन, एक ही केबिन से ड्राइविंग और ऑपरेटिंग दोनों काम को अंजाम दिया जाता है। इसमें 4 चक्के लगे होते हैं और उन्हीं चक्कों की मदद से ड्राइव किया जाता है। इसमें भी मोबाइल क्रेनों के तरह ही, जैसे ट्रक माउंटेड है, ट्रक माउंटेड मोबाइल क्रेन के तरह ही इसमें भी टेलीस्कोपिक बूम लगा होता है, जो सेक्शन वाइज होता है। जितना कैपेसिटी का क्रेन होता है, उसके हिसाब से लेंथ और थिकनेस इस टेलीस्कोपिक बूम का आकार होता है, और उसकी मदद से ऑपरेट किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें भी पीटीओ का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारा
ट्रक माउंटेड ऑटो हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन में जो जिस तरह का यूज़ किया जाता था, सेम वैसे ही ऑटो हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन में भी यूज़ किया जाता है। बट इसमें ट्रक माउंटेड में दो अलग अलग केबिने होते थे, ऑटो हाइड्रोलिक में एक ही केबिन होता है, जिससे ऑपरेटर वहीं से बैठ करके ड्राइव भी करता है और ऑपरेट भी करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रॉलर मोबाइल क्रेन। तो क्रॉलर मोबाइल क्रेन का अगर हम लोग देखें तो ये इसमें हाइड्रोलिक का इस्तेमाल न के बराबर होता है। इसमें किसी भी तरह का हाइड्रोलिक के लिए, हाइड्रोलिक जो बूम होते हैं, बूम के लिए किसी भी तरह का हाइड्रोलिक का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि जो क्रॉलर क्रेने होते हैं ये मैक्सिमम इसको कहा जाता है कि मैकेनिकल सिस्टम से इसका यूज़ किया जाता है। यानी रोप का, जो रोप ड्रम यूज़ करना है या विंच जिसको बोलते हैं, इसको यूज़ करना है, तो ये गियर सिस्टम में लगी होती है। यानी उस गियर को ऑपरेट करने के लिए जो मोटर का यूज़ किया जाता है, इन क्रेनों में उस मोटर का काम इस क्रेन का इंजन ही करता है, और ये गियर के सिस्टम से ही यूज करके, और जो रोप का जो ड्रम होता है वो ड्रम ऑपरेट होता है और रोप ओपन या क्लोज किया जाता है। यानी रोप रोप को लंबा करना या फिर लपेट करके वापस इसको छोटा कर देना, हॉइस्ट ब्लॉक ऊपर ले लेना। अब जो क्रोलर क्रेने होते हैं, क्रोलर क्रेनों में जो लगने वाला बूम होता है, ये इसको कहते हैं मैकेनिकल बूम, या इसका दूसरा नाम होता है जालीदार बूम। तो जो इसमें जो होता है, इसका बूम कोई इसका बूम फिक्स लेंथ का होता है। यानी इसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं। ये एंगल के टुकड़ों से बना हुआ होता है, और ये इसका लंबाई और चौड़ाई क्रेन के कैपेसिटी के हिसाब से ये फिक्स होता है। और इन क्रेनों को चलने के लिए किसी भी तरह का व्हील नहीं यूज़ किया जाता है। इनको चलने के लिए जैसे पोकलैंड मशीन आप देखे होंगे जिसमें चेन लगा होता है, ठीक इसी प्रकार का इसमें भी चेन लगा होता है। बट अंतर ये होता है कि जो पोकलैंड होती हैं इनमें ग्रोजर शू का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रोजर शू यानी जो लाइनें बनी होती हैं उसमें, ये ग्रोजर कहलाता है, जो सिंगल भी होता है, डबल भी होता है या ट्रिपल होता है, और ट्रिपल वाले ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हम लोग के जो ये क्रॉलर क्रेने होते हैं इनमें लगा होता है फ्लैट शू का यूज़ किया जाता है, ताकि इंडस्ट्रियल के अंडर ये कहीं भी चल करके जा सकती है, आ सकती है, बिना कुछ ग्राउंड लेवल को डैमेज किए। सो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका क्रॉलर क्रेन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हैवी अर्थ मूवर्स की कैटेगरी में कौन कौन सी मशीनें आती हैं। आपको जानना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है कि हैवी अर्थ मूवर्स के कैटेगरी में आने वाले मशीनों के नाम या प्रकार किस प्रकार होते हैं। तो हैवी अर्थ मूवर्स के कैटेगरी में आने वाले हर वो मशीन जो साइज में बड़ा होता है, उसका एक छोटा साइज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, छोटा मॉडल भी आपको मिल जाता है, बट उसके चक्कर में आप ये ना सोचें कि ये छोटा आकार का है तो ये हैवी अर्थ मूवर्स की कैटेगरी में नहीं आता है। फ्रेंड्स, उसका अगला मॉडल बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इसके कैटेगरी में आने वाले जो मशीनें हैं उनके नाम इस प्रकार होते हैं कि ये एक्सकेवेटर हो सकता है, बबकट हो सकता है, बबकेट हो सकता है, क्रेने हो सकते हैं, मोबाइल क्रेने आते हैं, हाइड्रोलिक क्रेने आते हैं, लोडर आता है, ग्रेडर आता है, इस प्रकार की जितने भी आप मशीनें, फोर्कलिफ्ट भी आता है, बट लोग बहुत ज़्यादातर लोग कहते हैं कि फोर्कलिफ्ट तो छोटी सी मशीनें होती हैं, ये छोटे छोटे चीज़ों को उठाती है, बट नहीं, फोर्कलिफ्ट बहुत बड़ी मशीन भी, इसका बहुत बड़ा मॉडल भी आता है जो 20 टन के कैपेसिटी को भी ये उठा करके और चलने का क्षमता रखती है। तो इसके लिए इसको भी शामिल किया गया है हैवी अर्थ मूवर्स के कैटेगरी में। कौन से हैवी अर्थ मूवर्स के कैटेगरी में आते हैं, तो इन मशीनों का क्या था, क्रेन, एक्सकेवेटर, सोवेल मशीन, फोर्कलिफ्ट, लोडर, ग्रेडर एक्सेट्रा, जितने भी मशीनें हैं ये सभी मशीनें हैवी अर्थ मूवर्स के कैटेगरी में आती हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्रेनों को किन किन जगहों पे यूज़ किया जाता है। इसके लिए मैं एकदम सिंपल सा आपको बोलता हूँ कि क्रेनों को
इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल लाइन में और सिविल कंस्ट्रक्शन, इन दोनों ही जगहों पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी दिया गया है क्रेन के यूज को। कहाँ पर? इंडस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, और सिविल कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरह का काम हो, वो ब्रिज बनाने का हो या फिर बिल्डिंग बनाने का हो, इन जगहों पे अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग क्रेनों का यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे दुनिया भर में जो क्रेने यूज किए जाते हैं वो कितने कैटेगरी में रखा गया है। जितने भी क्रेने यूज किए जाते हैं उनके कैटेगरी कितने कैटेगरी में रखा गया है? तो फ्रेंड्स, इनको तीन कैटेगरी में रखा गया है। तीन कैटेगरी में पहला आता है हाइड्रोलिक, दूसरा होता है मैकेनिकल, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल। एक हो गया हाइड्रोलिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। इस पार्ट को आप जो भी अभी तक आपने देखा है इसको आप याद करें, और इसको बहुत ज़्यादा आपको लिखने का या ये करने का जरूरत नहीं है। आप खाली वीडियो को आप अच्छे से देखें, समझें क्या क्या बोला गया, उसके बारे में पॉइंट्स को आप याद रखें, और बाकी का आपको कैसे याद कराना है, कैसे आपके दिमाग में बैठेगा, वो जिम्मेवारी क्रेन गुरु के ऊपर छोड़ दीजिए। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।